जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई ऑस्कर कितना बड़ा वर्ड है, पर कड़ू सत्य ये है कि आज तक किसी इंडियन एक्टर के हाथ ऑस्कर नहीं लगा। अभी तक इंडिया को जितने भी ऑस्कर मिले आप उनको लिटरली उंगलियों में गिन सकते हैं, जिसमें से फेमस नाम है गुलजार सर और एआर रहमान। बट ये जितने भी ऑस्कर थे वो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी के थे, एक्टर की कैटेगरी में कोई भी नहीं था, तो इसके लिए नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर किसी को ऑस्कर मिल जाता वो एक तरीके से भगवान से बन जाता है एक्टरों का। तो हम लोगों को आज से कुछ महीने पहले देखने के लिए मिलती है RRR मूवी, जिसने इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में झंडे गड़े, नेटफ्लिक्स में तो तबाही मचा दी। और इस मूवी में जो दो एक्टरों ने परफॉर्म किया था उनकी एक्टिंग लिटरली टॉप नॉच की। मैं ऐसे ही ब्लॉग पढ़ रहा था और मुझे देखने के लिए मिलती है कि जूनियर एनटीआर नॉमिनेट हो चुके हैं ऑस्कर के लिए। देखो ये न्यूज 100% तो कंफर्म नहीं है, बट जिन सोर्सेस से ये न्यूज मिल रही है वो बहुत ज्यादा लेजिट है। और अगर ऐसा होता है तो लिटरली एक तरीके से इतिहास होने वाला है कि कोई एक्टर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट होता है ऑस्कर के लिए। और अगर लिटरली ऑस्कर मिल जाता है तो इंडिया सिनेमा का लेवल लिटरली बढ़ जाएगा और बहुत सारी कंट्रीज का मुंह बंद हो जाएगा कि इंडिया में अच्छी मूवीज नहीं बनती। तो अगर आगे चल के मुझे कंफर्मेशन मिलता है जूनियर एनटीआर फाइनली जाकर अगर ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। ऐसे ही डेली अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।